Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. Today's lecture is on intent. जब हमने different activities के दरमियान में communicate करना होता है तो ये चीज हम intent के जरिए करते हैं. Android intent क्या है? Android intent एक ऐसा मैसेज है जो हम पास करवाते हैं different components के अंदर, like activities के अंदर, content provider के अंदर, broadcast receiver के अंदर and services के अंदर. Okay? एक्टिविटीज आप पढ़ चुके हैं क्या होती हैं. कंटेंट प्रोवाइडर अभी आपने नहीं पढ़ा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी नहीं अभी आपने पढ़ा, सर्विसेज भी नहीं आपने पढ़ा. सो आप इसके अंडरस्टैंडिंग अभी एक्टिविटीज तक रखें कि डिफरेंट एक्टिविटीज में कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटेंट को यूज करते हैं. ओके इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही हम स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड यूज करते हैं जिसके जरिए हम अपनी जो एक्टिविटी है उसको इन्वॉक करते हैं. इसके लिए जो सब क्लासेस की इंपोर्ट होती है, दिस इज android.content.intent.class. इंटेंट यूज कहाँ होते हैं? किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए, किसी वेब पेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी कॉन्टेंट लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए. ओके, सिंपल थिंग इज दैट आपके पास जो भी एक्टिविटी ओपन हो रही है उस एक्टिविटी की तरफ जंप करने के लिए हमारे पास इंटेंट्स यूज होते हैं. उस इंटरफेस में जो भी चीज है, लाइक आप उस पर कॉल जो है वो फोन नंबर डायल कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हुई हुई है, किसी वेब पेज को डिस्प्ले करवा रहे, दीज ऑल आर इंटरफेसेस एंड दीज आर एक्टिविटीज. गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके, गुड. आपकी कोई क्यूरी हो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं. जो न्यू गाइज हैं वो भी पूछ लें, आपको कोई कंफ्यूजन हो. सिंपल, इससे पहले हमने लेआउट्स के बारे में पढ़ा, लेआउट्स के बाद हमने एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा. अब एक एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी के दरमियान कैसे आपने कम्युनिकेट करना है उस चीज को हम हैंडल करते हैं इंटेंट के जरिए. और आज का लेक्चर हमारा इंटेंट पे है. इंटेंट क्या होते हैं, इंटेंट के टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिससे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. गॉट इट? टू टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड इंटेंट्स होते हैं. एक होता है एम्प्लिसिट इंटेंट, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट. गॉट इट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेंट? एनीवन नो? वाओ, आप सबको पता है. सो कूल, गुड. ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटेंट्स होते हैं. ओके, एक इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है. इम्प्लिसिट इंटेंट डज नॉट स्पेसिफाई द कंपोनेंट. इन सच केस इंटेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम दैट इज टू बी इन्वोक्ड. इम्प्लिसिट इंटेंट जो है ना, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है. ठीक है, इंटेंट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. किसी भी जो आपके सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं उसी के जरिए उसको इन्वोक कर दिया जाता है. ठीक, एम्प्लिसिट इंटेंट के कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं. ये जो आपके पास सिस्टम अवेलेबल है उसी के अंदर ही ये जो उसके पार्ट्स है वो इन्वोक हो जाते हैं. ओके, हम इम्प्लिसिट इंटेंट को क्यों यूज करते हैं? इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी ऐप को उसके कंपोनेंट को लॉन्च करने के लिए. लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है किस चीज की, कि लाइक आपने कोई भी ऐप बनाई है और वो किस लिए? फोटो को कैप्चर करने के लिए.
फोटो का पता है ना, पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, ठीक हो क्या? अब जब आप वो ऐप बनाते हैं, आप अपने मोबाइल में कोई अलग से उसका कंपोनेंट तो नहीं फिक्स करवाते हैं? जब आप उस ऐप को रन करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल में मौजूद कैमरा है उसके जरिए ऐप वो उसको पिक को कैप्चर करता है, ठीक है? यानी कि वो एप्स जिनके कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं होते, किसी थर्ड पार्टी ऐप की जो कंपोनेंट्स हैं उसको लॉन्च करके वो अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करती है, दीज आर इम्प्लिसिट इंटेंट। ओके, ऐप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल थिंग इज दैट कि जिस काम के लिए आप अपनी ऐप बना रहे हो, जो फंक्शनैलिटी उसमें आप डालना चाह रहे हो, जो फंक्शनैलिटी आप उसमें डालना चाह रहे हो, अगर तो वो अचीव हो जाती है, इट्स मीन इट्स योर ऐप। एग्जैक्टली, यूजर ही तो उसको यूज कर रहा है ना, यूजर उसको यूज कर रहा है उस ऐप को। लेकिन ऐप अगर हमने कैमरा ऐप बनाई है, ओके, सेलफोन है, सेलफोन के अंदर आपने क्या किया, उस ऐप को इंस्टॉल किया, कैमरा ऐप है, कैमरा ऐप के नेम से पता चलता है कि कैमरा ऐप है। क्या ऐसा तो नहीं है आपने कोई उसके लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर डाला हुआ अपने सेलफोन के अंदर? उस सेलफोन के अंदर ही जो सिस्टम है, उसका जो कैमरा है, आप उसको लॉन्च करके अपनी ऐप की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? दिस इज इम्प्लिसिट इंटेंट। लोकेशन ऑन मैप, अब आप देखें जब आप कोई भी लोकेशन ट्रैकिंग ऐप बनाते हैं या कोई भी आप लोकेशन मैप शो करते हैं अपनी एप्स के अंदर, तो वो एपीआई से उठ के मैप आ रहा होता है आपके पास, ठीक है? आप खुद तो उसको क्रिएट नहीं करते हैं, सिंपल आप उसकी एक्सेस डाल देते हैं, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देते हैं, जिससे फिर वो आपको उतने एरिया का मैप शो हो जाता है। गॉट इट? ओके गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन, गुड, वेरी नाइस, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ आपने किस तरह से इसको बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट बहुत ज्यादा यूज होते हैं ऐप के डेवलपमेंट में। नाउ द अदर थिंग इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? जो इम्प्लिसिट इंटेंट होता है उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं होते हैं, जबकि आपके पास जो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है इसके स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स, वी कैन कॉल अनदर एक्टिविटी इन एन एंड्रॉइड बाय एक्सप्लिसिट इंटेंट। लाइक आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी की तरफ जाते हो, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करवाते हो, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट इंटेंट। ओके, गॉट इट? Now, explicit intent की आपके पास सिंपल एग्जाम्पल है, अब ये देखें, लाइक ये बल्कि आप एग्जाम्पल मुझे इसकी दें। लेट्स सपोज आप एक कैब बनाते हो, ठीक है, वन सेकेंड प्लीज। एक्सप्लिसिट इंटेंट आपके पास, लाइक आप एक ऐप बनाते हो, उस ऐप में क्या करते हो, एक लॉगिन फॉर्म को फिल करते हो आप, ठीक है, एंड देन आप बटन पे क्लिक करते हो, उस बटन पे क्लिक करने से आप एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, ठीक है। जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज को हम कहते हैं दिस थिंग इज एक्सप्लिसिट इंटेंट, यू आर यूजिंग, यू आर डीलिंग विद एक्सप्लिसिट इंटेंट। ओके, गॉट इट? साथ साथ जवाब दे दिया करें जी आप सब, ऐसे ये होता है कि ट्रेनर को जरा रिस्पांस मिलता है और उसी लेवल पे फिर आपके लेक्चर को लेके चलती है, जवाब लाजमी दिया करें, ये रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, आज का जो हमारा है वो हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इस जरा इसके स्क्रीनशॉट्स को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ये एक फर्स्ट एक्टिविटी होगी, ये फर्स्ट इंटरफेस होगा जो हम क्रिएट करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट व्यू, ये हमने पहले लेआउट बनाया, ये एक्टिविटी वन है, ये एक्टिविटी टू है, हमने इस एक्टिविटी से डाटा इस एक्टिविटी में शो करवाना है। गॉट इट?
यहाँ एडिट बॉक्स है, आप जो भी चीज यहाँ राइट करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको वही चीज शो होगी। सिनेरियो क्लियर होगी आपको, ये चीज आज हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके गुड, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे हैं तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।